हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम यू इन माय चैनल एजुकेशन की। चलिए, टुडे पार्ट ऑफ डिस्कशन इज़ ऑल अबाउट AISSEE रिज़ल्ट, ओके, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इससे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अभी अपलोड कर दिया है ऑन दिस रिगार्ड कि इसका देरी क्यों हो रहा है, वाई द रिज़ल्ट निकलने में इतना देर क्यों हो रहा है, वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। The main reason behind this is that you need some time for doing the to check the paper. और paper ऐसा नहीं है कि जल्दी से check कर ले, because there are lots of formalities that you have to fill up. You have to do all and एक official announcement में क्या था that the result is going to out at the last week of February. तो last week of February अभी चल रहा है, आप थोड़ा सा patient, you must have some patience. Okay, बहुत जल्दी result out हो जाएगा. Okay, and I really wish all the best to all the candidate who is eagerly waiting for this result, and definitely I will pray that you all can get the admissions in your respective, in your home Sainik schools. Sainik school तो बहुत है, okay, there are 33 Sainik school in our country and everybody have the choice to join the Sainik school which is nearer to him. जो Sainik school पास में है उसी में जाना चाहता है, ये नहीं कि मतलब झारखंड वाले महाराष्ट्र में चला जाए, महाराष्ट्र वाले वेस्ट बंगाल में आ जाए, दैट इज़ नॉट द चॉइस, एवरीबडी हैव इट्स ओन चॉइस। तो सैनिक स्कूल के बारे में ही हम जब बात कर रहे हैं तो रिज़ल्ट तो आउट हो ही जाएगा, आफ्टर डैट यू विल गो फॉर द मेडिकल। आजकल सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इंटरव्यू होता है। इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल व्हाट हैपन, दे आर गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यू ऑफ हाउ मेनी, नियरली आपका मतलब 20 से 30 नंबर का इंटरव्यू भी रखा जाता है, ठीक है। तो RMS में होता है, अभी भी होता है, बट इन सैनिक स्कूल पहले होता था, फिर दे आर नॉट टेकिंग द इंटरव्यू अप टू मेडिकल ओनली, दे आर गोइंग टू मेक द मेरिट लिस्ट। ओवरऑल जो सैनिक स्कूल होता है वो एक ही बार मेरिट लिस्ट निकाल देता है आफ्टर योर मेडिकल एग्जामिनेशंस, ओके। तो मेन मोटो क्या है कि वाई वी ऑल आर सो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द सैनिक स्कूल, बिकॉज सैनिक स्कूल का जो लाइफ होता है दैट इज़ योर सेल्फ डिपेंडेंट लाइफ, नो, जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि स्कूल का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, स्कूल्स मेक यू, गिव यू द टाइम, ओके, टू सेट योर सेल्फ। अपने आप को आपको क्या करेगा कि आपको मौका दिया जाएगा जिससे कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सको। यू मस्ट बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एंड यू वट एवर यू कैन टेक योर ओन डिसीजन एंड दैट इज़ ऑल्सो द पॉजिटिव डिसीजन इन योर लाइफ। पॉजिटिव डिसीजन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, रेदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द सक्सेस। और सिस्टमेटिकली जैसे ही हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, सो वी कैन सिलेक्ट द गुड थिंग इन आवर लाइफ। सो